ऐसा स्टेट जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं हुआ है फॉर एग्जाम्पल आई विल जम्प इन तो मैं झील में कूद जाऊंगा बट अभी तक वो कूदा नहीं है ओके एंड दिस वॉक टेंस इज यूज फॉर फ्यूचर एक्टिविटी और फ्यूचर स्टेट ऑफ बींग ठीक है तो किसी फ्यूचर की एक्टिविटी के बारे में बताता है ओके okay? फ्यूचर टेंस के चार टाइप्स हैं जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की इट इज़ यूज वैन वी प्लान और मेक अ डिसीजन टू डू समथिंग एंड नथिंग इज सैड अबाउट द टाइम इन फ्यूचर वी यूज दिस टेंस वेन जब हम कुछ प्लान करते हैं या हम किसी चीज का डिसीजन लेते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई हेल्प यू मतलब मैं तुम्हारी मदद करूंगा ठीके? कब करूंगा वो टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है ठीक है द सन 7 एम मतलब कल सुबह सात बजे सूर्य उदय होगा ओके We will visit the temple. हम मंदिर जाएंगे ओके तो दिस शोज अबाउट द फ्यूचर प्लान और फ्यूचर डिसीजंस टू डू समथिंग। और कौन कौन सी चीजों के लिए ये, ये यूज होता है तो इट इज यूज फॉर एक्शंस डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीच ठीक है मतलब अभी कोई हम बात कर रहे हैं उस टाइम हम जो बोलते हैं कि हम ये करेंगे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अड एक आई विल टेक अ मेडिसिन मतलब मुझे सिर दर्द है तो मैं एक दवा लूंगा ठीक है बट कब लूंगा दैट इज नॉट डिसाइडेड ओके बट ये डिसाइडेड है कि वो दवाई लेगा इट इज यूज फॉर थाट्स प्रडिक्शंस एजाम्शंस श्योरनेस एंड फियर्स अबाउट फ्यूचर ओके okay, तो क्या बताते हैं कुछ अपने थॉट्स के बारे में कुछ हम जो प्रेडिक्ट करते हैं कुछ हम जो अजम्पन्स लगाते हैं ओके okay, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा ठीक है तो ये क्या है ये हमारा श्योरनेस हुआ कि मैं श्योरिटी देता हूँ कि मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा नेक्स्ट इट इज यूज कंडीशनल टाइम एंड क्लॉजेस ठीक है कुछ कंडीशन के साथ अगर कुछ क्लॉज आता है तो उस टाइम के लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वेन आई अराइव एट होम आई विल कॉल यू तो मैं जब घर पहुंचूंगा तब आपको फोन करूंगा तो कुछ फोन करूँगा वो कन्फर्म्ड है पर टाइम नहीं पता जब भी घर पहुंचूंगा तब फोन करूँगा ओके सो इट विल शोज द पर्पस इट शोज द पर्पस दैट इट विल कॉल बट विद अ कंडीशन ओके इट इज यूज फॉर अनप्रिवेंटेबल एक्शंस इन फ्यूचर मतलब कि जो चीज फ्यूचर में होने वाली है और उसको हम रोक ना पाए उसके लिए फॉर एग्जाम्पल विंटर विल कम सून तो जल्द ही सर्दी आएगी ठीक है तो ये फ्यूचर इवेंट है और इसको हम रोक भी नहीं सकते ओके फॉर ऑफरिंग आस्किंग फॉर अ रिक्वेस्ट प्रोमिसिंग ऑर्डरिंग एंड थ्रेटनिंग फॉर दिस ऑल्सो वी यूज फ्यूचर टेंस फॉर एग्जाम्पल आई एम अफ्रेड वी विल गेट वेट ठीक है मुझे डर है कि हम भीग जाएंगे एंड इट इज यूज फॉर अन फ्यूचर एक्शंस ठीक है विंटर विल कम सून तो विंटर आने वाला है वो कन्फर्म्ड है बट कब आएगा दैट इज अनप्लांट ओके अब सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है ओके लाइक प्रेजेंट एंड पास्ट वी कैन हैव पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन फॉर्म्स ओके सो फॉर पॉजिटिव सेंटेंस द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म और द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल दे विल स्टडी मैथ्स they becomes the subject will becomes the helping verb study is the main verb and maths is the object okay so they will study maths matlab ve maths ki padhai karenge okay this structure is for positive sentences now for negative sentence what we do we just add not okay subject प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्क एंड ऑब्जेक्ट सो द एग्जाम्पल इज दे विल नॉट स्टडी मैथ्स तो वे मैथ्स की पढ़ाई नहीं करेंगे ओके एंड वॉट वी डू फॉर द क्वेश्चन फॉर्म वी ब्रिंग द वर्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट एंड सब्जेक्ट आफ्टरवर्ड्स ओके एंड the first form of verb and object so will they study maths kya ve maths ki padhai karenge okay so this is the structure of simple future tense you have to remember this formulas for example if we are using positive sentences negative sentences and question sentences okay so i shall allow it तो मैं इसे अनुमति दे दूंगा इसको परमिशन दे दूंगा पॉजिटिव सेंटेंस आई शेल नॉट अलाउ इट मैं उसे अनुमति नहीं दूंगा शेल नॉट ओके सो इट बिकम्स अ नेगेटिव सेंटेंस और शेल आई अलाउ इट क्या मैं उसे अनुमति दे दूं? दू तो दिस बिकम्स अ क्वेश्चन स्टेटमेंट नेक्स्ट

पिता सेवरा निवृत्त होंगे अगले साल ठीक है तो दिस इज हाउ वी मेक द पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस ओके नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इट इंडिकेट्स एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट सम डेफिनेट टाइम इन द फ्यूचर ओके एंड दिस टेंस इज यूज्ड

मतलब फ्यूचर में कुछ इंटरप्शन होने वाला है उसमें हमको एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन करते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल वी विल बी हैविंग ब्रेकफास्ट मॉर्निंग एट है सो वी हैव बीन गिवन अ टाइम के हम कल सुबह नौ बजे नाश्ता करेंगे अ स्पेसिफिक टाइम ओके ऑल्सो इट इज यूज फॉर द एक्शंस ऑलरेडी है एंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू समाइम इन द फ्यूचर ठीक है मतलब जो काम हम अभी कर रहे हैं और उसको थोड़ी देर और के बाद भी हम काम करते ही होंगे ठीक है जब तक कि वो काम खत्म ना हो जाए फॉर एग्जाम्पल वी विल स्टिल बी डीलिंग विद दिस टास्क इन एन आवर तो हम अभी भी एक घंटे में इस कार्य से निपटेंगे ठीक है तो ये काम खत्म करने के लिए हमें एक और आवर लग जाएगा इट इज ऑल्सो यूज टू आस्क क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर ठीक है कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल विल यू बी लिविंग मैक्सिको टू नाइट क्या आप आज रात मैक्सिको जा रहे होंगे ठीक है तो इट इज अ पोलाइट क्वेश्चन दैट इज बीइंग एक्सप्रेसिंग द इंटेंशंस फॉर द फ्यूचर अगर फ्यूचर में आपके कुछ इंटेंशंस हैं उसके बारे में बात करनी हो फॉर एग्जांपल आई विल बी हेल्पिंग माय मदर ड्यूरिंग द वीकेंड ठीक है तो मैं वीकेंड पे अपनी मम्मी की मदद करूंगी ओके okay? तो फ्यूचर इंटेंशन क्या इंटेंशन है कि वो वीकेंड पे अपनी मम्मा की मदद करेगी इट इज यूज फॉर पैरल एक्शन और सीरीज ऑफ ओके एक एक्शन और उसके पैरल दूसरा एक्शन हो रहा है या तो कंटिन्यूस कुछ एक्शन हो रहे हैं इन पैरल सीरीज फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम नेक्स्ट वीक they will be dancing, chatting together and having fun. ठीक है तो अगले सप्ताह इस समय वे लोग नाच रहे होंगे साथ में बातें कर रहे होंगे और मस्ती भी कर रहे होंगे ठीक है तो ये क्या हो गया अ सीरीज ऑफ पैरल एक्शंस विल सी एट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तो सब्जेक्ट विल, शेल, है, तो हम वर्ब का आई एन जी फॉर्म यूज करते हैं और हम लगाते हैं बी ओके वी यूज़ विल बी इन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एग्जाम्पल दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल तो वे फुटबॉल खेल रहे होंगे ओके द स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट विल शेल

Auxiliary verb at the beginning, then the subject, then the B form, ing form of verb, and the object. Okay, so example will be will they be playing football? Kya ve football khel rahe honge? Okay, so this becomes the structure. All right. Now we'll see at the examples. पॉजिटिव नेगेटिव एंड क्वेश्चन आई विल बी वेटिंग फॉर यू तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ओके आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा विल यू बी वेटिंग फॉर मी क्या तुम मेरा इंतजार करोगे ओके सो दिस इज फॉर फ्यूचर कंटिन्यूस क्स्ट ही विल बी लर्निंग स्पैनिश वो स्पेनिश Spanish सीख रहा होगा ही नॉट बी लर्निंग स्पेनिश वो स्पेनिश नहीं सीख रहा होगा विल ही बी लर्निंग स्पेनिश क्या वो स्पेनिश सीख रहा होगा ओके सो दिस वे वी कैन यूज पॉजिटिव नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस now we will talk about future perfect tense it is used to express an action expected to be completed before a certain time in the future okay an action future may a certain time hone wala ho. it is used to express an action which will have finished or completed before a specific time in future फॉर एग्जाम्पल बाई फाइव ओ क्लॉक आई विल है अपना काम पूरा कर लिया होगा ठीक है इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल है कम्पलीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर मतलब फ्यूचर में एक दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो जाया होगा फॉर एग्जाम्पल शी विल डिनर बाय द टाइम वी अराइव तो जब तक हम आएंगे तब तक उसने रात का खाना बना लिया होगा ठीक है तो जब तक हम आएंगे तो वो एक इवेंट हुआ एक एक्शन हुआ तब तक उसने खाना बना लिया होगा तो ये दूसरा इवेंट तो एक एक्शन खत्म हो गया तब तक उसके बाद दूसरा ठीक है तो पहले उसने खाना बना लिया हो फिर वो लोग आए ठीक है इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन बिफोर एंड विल कंटिन्यू अनदर एक्शन इन द फ्यूचर मतलब एक ऐसा एक्शन जो पहले स्टार्ट हुआ था और फ्यूचर में दूसरा इवेंट स्टार्ट होने तक भी वो कंटिन्यू होगा फॉर एग्जाम्पल बाय द नेक्स्ट वीक वी विल हैव बीन मैरिड फॉर ट्वेंटी ईयर्स तो अगले हफ्ते हमारी शादी को तीस साल हो जाएंगे ओके सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं परफेक्ट टेंस है तो हम परफेक्ट टेंस में हैव लगाते हैं राइट प्रेजेंट टेंस में भी हम हैस और हैव लगाते हैं पास टेंस में हैड लगाते हैं वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग हैव लगाते हैं ठीक है एंड द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो बाई नेक्स्ट वीक दे विल है अगले हफ्ते तक उन्होंने बहुत पैसा कमाया होगा ठीक है नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं हम सिंपली नॉट एड कर देते हैं और बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहता है जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस का ओके सो एग्जाम्पल By next week, they will not have earned lots of money. Matlab, akle haftetak unhone bahut paisa nahi kamaya hoga. Okay, or for question form, what do we do? We bring the auxiliary verb at the beginning and then the subject and the remaining statements as it is, and we add a question mark. Okay. फॉर एग्जाम्पल विल दे हैव ऑन लॉर्ड्स ऑफ मनी बाय नेक्स्ट वीक तो क्या उन्होंने अगले हफ्ते तक बहुत सारी कमाई कर ली होगी हम्मिस हाउ वी यूज फ्यूचर परफेक्ट एग्जाम्पल्स आई विल है टाइम द चिल्ड्रन वेकअप मतलब बच्चों के जागने के समय तक मैंने नाश्ता तैयार कर लिया होगा ओके okay, तो एक एक्शन हो गई उसके बाद दूसरी एक्शन होगी ठीक है। फॉर नेगेटिव वी एड एन नॉट आई विल नॉट द टाइम द चिल्ड्रन वेकअप तो बच्चों के जागने के समय तक मैंने नाश्ता तैयार नहीं कर लिया होगा ओके okay? और फॉर क्वेश्चन विल यू हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम द चिल्ड्रन वेकअप तो जब बच्चे जागेंगे तब तक तुमने अपना नाश्ता तैयार कर लिया होगा ओके सो दिस इज हाउ यू विल आस्क द क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल, द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो। तो बारिश कल तक रुक गई होगी ओके विल हैव स्टॉप्ड फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस द रेन विल नॉट हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो तो कल तक बारिश नहीं रुकी होगी विल द रेन हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो क्या बारिश कल तक रुक गई होगी ओके सो दिस वे वी यूज क्वेश्चन सेंटेंसेस now we will talk about future continuous tense it is used to express the ongoing action that will be completed in future before a certain time it indicates an action that will continue up until a point in the future matlab future may a given point the quo action continue hogi for example इन अप्रिल शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर ट्वेल्व इन मतलब अप्रिल में उसको टीच कराते हुए बारह साल हो चुके होंगे नेक्स्ट एक्शन दैट फिनिश्ड बिफोर अ पॉइंट इन द फ्यूचर ठीक है फॉर एग्जाम्पल वेन आई सी यू आई विल हैव बीन स्टडिंग सो आई विल बी टर्ड तो जब मैं तुमको देखूंगा तब मैं पढ़ रहा हूँ तो उसे क्या हुआ उससे मैं टायर्ड हो जाऊंगा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं ओके फॉर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वी यूज विल प्लस हैव प्लस बीन एंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ओके For future, we use will and shall, will or shall. For perfect, we use have. For continuous, we use ing form. And for perfect continuous, we add been. Okay, so this is the structure of future perfect continuous. For example, I will have been shopping on Tuesday. तो मैंने मंगलवार को खरीदारी की होगी ठीक है नेगेटिव सेंटेंस में सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा सिर्फ हम बीच में नॉट ऐड कर देंगे ओके फॉर एग्जांपल आई विल नॉट हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे मैंने मंगलवार को खरीदारी नहीं की होगी ओके फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस वी ऐड नॉट

आई विल हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर थ्री मंथ्स तो मैं तीन महीने से सब्जियां खा रहा हूं ओके okay, एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और फ्यूचर में अभी तक कंटिन्यूस में चल रहा है ठीक है आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर थ्री months. मैं तीन महीने से सब्जियां नहीं खा रहा हूं for question sentences will you have been eating vegetables for 3 months kya main 3 mahine se sabziyan kha raha okay similarly you can also have a look on the rest of these two examples okay and try to find the meaning so for english verb tenses

सिंपल प्रेजेंट आई डू माय होमवर्क मैं अपना होमवर्क करता हूं फॉर सिंपल फ्यूचर आई विल डू माय होमवर्क तो मैं अपना होमवर्क करूंगा ओके सिमिलरली फॉर पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस ओके यू कैन रेफर टू दीज एग्जाम्पल्स you can take the help of one particular example and see how it changes in all the different different kinds of tenses so we complete here the types of tenses simple present past and future okay we'll see you in the next video thank you